हे गाइस, राधे राधे। मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त और बढ़िया ही होंगे। इस समय भैया अपना घर पे रहो, आपको पता ही है कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और कोविड केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यार घर पे रहो और सेफ रहोगे घर पे। तो जिसने यार मेरी पहली सीरीज़ पहले एपिसोड नहीं देखे इस सीरीज़ के, तो उन्हें बता दूँ भाई मैं इस समय हूँ हिमाचल में पौंडा साहिब गुरुद्वारे में। देहरादून से पौंडा साहिब गुरुद्वारे तक की रोड बहुत अच्छी थी। कुछ कुछ जगह थोड़ी बहुत तो यार ख़राब होती है, मगर काफ़ी रोड बहुत अच्छी मिली थी मुझे। तो कड़ा प्रसाद मिलेगा यहाँ से और ये मेन एंट्री है। जूता घर इधर है और इधर भाई अपना वो सामान रख सकते हैं, बैग वैग लाओ ना तो इधर जमा हो जाए। क्लॉक रूम, सबसे पहले सबको सत श्री अकाल। इस समय जहाँ मैं हूँ उसे कहते हैं पौंडा साहिब गुरुद्वारा। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो थोड़ा बहुत यार इस गुरुद्वारे के बारे में आपको इतिहास बताता हूँ, जो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ के लोकल से पूछा है तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि सिख गुरु गोविंद सिंह अपने घोड़े से जा रहे थे, इसी स्थान पर पहुंचकर उनके घोड़े अपने आप रुक गए थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने इसलिए पाओ और टीके को मिलाकर इसे पौंटा साहिब का नाम दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी स्थान पर गुरुद्वारा स्थापित किया था, साथ ही अपने जीवन के 4.5 वर्ष यहीं गुजारे थे। हिमाचल उत्तराखंड की सीमा पर यमुना नदी के किनारे बसा जिला सिरमौर का पौंटा साहिब सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित किया गया था ये गुरुद्वारा। गुरु गोविंद सिंह का यमुना नदी के तट पर बसाया नगर पौंटा साहिब इतिहास की कई महान घटनाओं को संजोए हुए है। एक तरफ जहां सिख धर्म के इतिहास में विशेष स्थान रखता है, तो दूसरी तरफ सिखों के गौरव में इतिहास की यादों को ताज़ा करता है। इस धरती पर पौंटा साहिब एक ऐसा नगर है जिसका नामांकन स्वयं गुरु गोविंद सिंह ने किया है। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे 4.5 वर्ष यहीं पौंडा साहिब में ही रहे थे। इस दौरान उन्होंने यहाँ रहकर बहुत सी साहित्य और गुरुवाणी की रचना भी की थी। गुरु गोविंद जी ने यहाँ पर एक कवि दरबार की स्थापना भी की थी, जिसमें 52 भाषाओं के विभिन्न भिन्न भिन्न अलग अलग कवि भी थे। गाइस, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ पौंडा साहिब गुरुद्वारा दुनिया भर में सिख धर्म के जो अनुयायी हैं उनके लिए एक बहुत ही उच्च ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। इस गुरुद्वारे के धार्मिक महत्व का एक उदाहरण है कि यहाँ पर रखी हुई पालकी जो कि शुद्ध सोने से बनी हुई है, यह पालकी किसी भक्त ने दान स्वरूप में दी थी। और एक बहुत ही फेमस स्टोरी भी है, लोक कथाओं के अनुसार पास में जो बहती यमुना नदी है यहाँ से जब निकलती थी तो बहुत शोर करती थी। तब गुरुजी ने यमुना जी से अनुरोध किया था कि गुरुद्वारे के समीप से शांत होकर बहने लगी। उनसे बोला था कि भाई आप यहाँ से जब गुरुद्वारे से निकलोगे तो आप यहाँ पे अपना जो शोर है वो ना किया करो। तो यमुना जी ने उनकी बात को स्वीकार करके जब भी गुरुद्वारे के पास से यमुना जी निकलती है तो बिल्कुल भी शोर नहीं होता। तो ये है कड़ा प्रसाद। सौभाग्यशाली लोगों को ही प्रसाद मिलता है, तो उनमें से मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली था जो मैं यहाँ आ पाया, गुरुद्वारे के दर्शन कर पाया, मत्था टेक पाया।
तो यार ये सब लिखा होता है, जाना कहीं और था और मैं पहुंच गया यहाँ पर। एक्चुअली मैं देहरादून से मेरठ ही जा रहा था, ये मेरा एक फ्रेंड था जिसके साथ मैं आया था, उसी की वजह से उसने कहा नहीं गुरुद्वारे में दर्शन करते हुए जाएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस उसकी बात मान के मैं यहाँ आ गया, और यहाँ आके मुझे इतना मतलब बहुत ही अच्छा लगा, मन को बहुत सुकून मिला। और आपको पता है जैसे मंदिर गुरुद्वारे ऐसी जगहों पे जाते हैं तो मन को बहुत ही शांति मिलती है, जो कि बहुत यार ज़रूरी भी है। आजकल का जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से मन को जो शांति मिलती है उसके लिए यार गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जिससे कि मन को शांति मिल सके। गाइज़ इस समय जो आप गुरुद्वारा देख रहे हैं, गुरुद्वारे के जस्ट पीछे देखिए ऐसे सीढ़ियाँ जा रही हैं, सीढ़ियों से आप नीचे उतर के भी यमुना जी में स्नान कर सकते हो। पीछे ये यमुना जी बह रही हैं जो यहाँ पर आके बिल्कुल शांत हो जाती हैं, जो कि जैसे मैंने आपको अभी स्टोरी में बताया ही था, तो यहाँ पर वो बिल्कुल शोर नहीं करती, बहुत आराम से बहती हैं, आवाज़ बिल्कुल नहीं आती। ये शीश महल है, अंदर छोटा सा गुरुद्वारा यहाँ पे भी बना हुआ है। गुरुद्वारे के अंदर साफ़ सफाई का तो इतना ख्याल रखा जाता है जो मैं आपको बता नहीं सकता। ये देख सकते हैं आप इस समय स्क्रीन पे भी, मतलब 24 घंटे साफ़ सफाई चलती रहती है। अभी तो ये निर्माण का काम चल रहा है यहाँ पर, और घिसाई चल रही थी पत्थरों में। और ये अंदर का गुरुद्वारा है, दर्शन कीजिए आप भी। पांवटा साहिब गुरुद्वारे के अंदर वैसे मैंने एक चीज़ नोट करी है, अब मुझे इसके बारे में नहीं पता, ये निशान साहिब है। निशान साहिब गुरुद्वारे के अंदर तीन या चार थे स्टार्टिंग में, पहले भी है फिर बीच में भी है, तीन चार जगह मैंने निशान साहिब देखे हैं। ये नीचे रास्ता जाने का भी बना हुआ है, ऐसे आप जा सकते हैं। और ये देखो आप नदी यमुना जी, यार यहाँ पर यमुना जी इतनी साफ़ हैं, जैसे कि दिल्ली में आप लोग देखते होंगे या सुनते होंगे कि वहाँ पे प्रदूषण हो रहा है यमुना जी में, मगर यहाँ पे बिल्कुल स्वच्छ जलता एकदम साफ़ सुथरा यमुना जी का जल है। और ये निशान साहिब पे देखिए ऐसे सफाई करते रहते हैं, इस समय ये कपड़ा बांध रहे हैं, और पहले यहाँ पर बिल्कुल सफाई होती है फिर उसके बाद कपड़ा बांधा जाता है। और ये लंगर का व्यवस्था है यहाँ पर, लंगर हॉल है, नाश्ते की व्यवस्था है, ये बाहर चाय पानी के नाश्ते की व्यवस्था की गई थी जो चल रही थी। इस समय देखिए ये चाय का कैन है एक पूरा, और ये साथ में रस वस दी जाती है, रस बिस्किट और छुआरे ये सब का होता है। और ये लंगर हॉल है,
यहाँ पर बर्तन धोए जा रहे हैं, बर्तन धोने की सेवा हो रही है। ये कोई कटोरियाँ धो रहा है, कोई बर्तन में प्लेट धो रहा है, चम्मच होती हैं चम्मचे धो रहे हैं। तो यहाँ साफ़ सफाई हो रही है बर्तनों की, और सामने ही बैठाया जाता है दरियों पर। तो यार यहाँ पे मैं पहले भी बहुत बार आ चुका हूँ, यहाँ पर नहीं गुरुद्वारों के अंदर लंगर मैंने बहुत खाए हैं। पता नहीं आप लोगों ने खाया नहीं खाया, कमेंट करके मुझे बताओ किस किस ने लंगर चखा हुआ है। तो भाई हमने तो लंगर खा रखा है काफ़ी बार, तो आप लोगों ने खा रखा है कि नहीं खा रखा ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके। और देखो ऐसे लाइनों में बैठ के आनंद आ जाता है, मज़ा ही अलग आता है ऐसे बैठ के खाना खाने में। और यहाँ तक वीडियो देख लिए तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, और अपने फ्रेंड्स तक अपने रिलेटिव्स तक शेयर किया करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि यार मेरी वीडियो की रीच थोड़ी बढ़ सके। आप लोग ही बढ़ा सकते हो तो थोड़ा शेयर कर दिया करो। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो यार सब्सक्राइब कर दे करो, लाल बटन को ऐसे ग्रे कर दे करो, और जिसने भाई सब्सक्राइब कर रखा है वो मत करना, वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो प्लीज़ ध्यान रखो इस चीज़ का। तो ये सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है, इसके बाद फिर कहीं और चलेंगे, कहीं और घुमाऊंगा आपको। अभी तो आज के लिए ये लास्ट एपिसोड है इस सीरीज़ का, यहाँ से सीधा अब मैं जाऊँगा मेरठ के लिए। तो चलिए देखते रहिए, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, कभी आप यहीं समाप्त करके जाने लगो तो वीडियो को पूरा देखा करो यार। तो दोस्तों अब हम चल दिए हैं पौंडा साहिब गुरुद्वारे से अपने शहर मेरठ की तरफ। तो अब देखते रहना, और इस समय जो आप नज़ारा देख रहे हो शाम का, सूर्य जो अस्त हो रहा है छुप रहा है यार, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए अपनी स्क्रीन पे इस समय जो आप देख रहे हैं, मज़ा आ जाता है यार। ये मेरा फेवरेट जिसे कहते हैं ना एक चीज़, भाई सुबह सुबह का तो सूर्य उदय का तो हम देख नहीं पाते, सनराइज़ का, सनसेट का जो हिसाब किताब है वो मुझे बहुत प्यारा लगता है और बहुत ही सुकून देता है। मन करता है इसे देखते रहें, बहुत अच्छा लगता है यार। जाने से पहले, वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको लाइक करना है और शेयर करना है, ये कंपलसरी है आपके लिए। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना। तो चलिए अब किसी नेक्स्ट जर्नी पे आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।